हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मधुमेह के ऊपर हमारा एक वीडियो पहले से आ चुका है, लेकिन जिन लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि गंवार पाठे का उपयोग करके कैसे इंसुलिन के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। फ्रेंड्स, गंवार पाठा ऐसा होता है कि वो दो प्रकार से काम करता है। गंवार पाठा एक तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दूसरा मांसपेशियों और ऊतकों को पुनर्निर्मित करता है। किसी व्यक्ति के शरीर में पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाए और इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी रोकथाम के लिए दवाइयां और इंसुलिन लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, गंवार पाठा शरीर में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है, जिससे शरीर में इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, जो कि शुगर के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। आइए जानते हैं कि गंवार पाठा का उपयोग हम शुगर को ठीक करने में किस प्रकार से कर सकते हैं। ताजे आंवले का रस 4 चम्मच और गंवार पाठे का गूदा 1 चम्मच खाली पेट रोज लेने से मधुमेह बिल्कुल ठीक हो जाता है। करेले का रस 2 चम्मच और गंवार पाठे का गूदा 1 चम्मच मिलाकर सुबह शाम भोजन से पहले लेने से मधुमेह में बढ़ी हुई शुगर कम हो जाती है। नीम के 10 पत्ते और गंवार पाठे का गूदा 2 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खाने से खून साफ होता है और शर्करा नियंत्रण में आ जाती है। कच्चा केला 1 और गंवार पाठे का गूदा 1 चम्मच मिलाकर खाने से मधुमेह ठीक हो जाता है। मूंगफली का आटा और गंवार पाठे का गूदा मिलाकर बनी हुई रोटी आधी आधी खाने से मधुमेह का नाश हो जाता है। सदाबहार की 4-5 पत्तियों के साथ 2 चम्मच गंवार पाठे का सेवन करें तो मधुमेह जड़ से मिट जाता है। यह प्रयोग आपको 3 महीने तक करना है। बेलपत्र के 4 पत्तों को पीसकर गंवार पाठे के 1 चम्मच गूदे के साथ सेवन करने से मधुमेह बहुत जल्दी से ठीक होने लगता है। जौ का सिका हुआ आटा, मेथी का चूर्ण और गंवार पाठे का रस तीनों 1-1 चम्मच मिलाकर खाने से मधुमेह रोग 1 महीने में ठीक हो जाता है। लहसुन की 4-5 कलियां शुद्ध घी में भूनकर 1 चम्मच गंवार पाठे के साथ खाने से मधुमेह जड़ से चला जाता है। 5 नग इलायची के दाने, 2 नग बादाम की गिरी और 10 मिली गाय का मक्खन और 2 चम्मच गंवार पाठे का ताज़ा रस मिलाकर लेने से मधुमेह में होने वाली दुर्बलता ठीक होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बताया कि आप गंवार पाठे का उपयोग किस प्रकार करके मधुमेह को ठीक कर लेते हैं, लेकिन आप जो गंवार पाठे का गूदा प्रयोग करेंगे वो कम से कम 1/2 घंटे पहले निकाला हुआ होना चाहिए और गंवार पाठे से लेटेक्स निकाल कर शुद्ध किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी अच्छी कंपनी का गंवार पाठे का रस प्रयोग में कर सकते हैं। शुरुआत के अंदर आपको 1/2 चम्मच गंवार पाठा का रस या गूदा ही प्रयोग करना है, क्योंकि किसी किसी को गंवार पाठा सूट नहीं करता तो दस्त होने की शिकायत रहती है। इसलिए गंवार पाठे का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाएं। 1/2 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक आप गंवार पाठे के रस या गूदे का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके लिए जानकारी लाभदायक है तो वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ज़रूरतमंद से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।